हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आपको पता है नियर अबाउट मैंने 13 चैप्टर हो गए, ये 13 आपके महारिविजन के। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, दो दो तीन तीन बार देखो, पेन कॉपी बुक लेके बैठना मेरा जब लेक्चर देखते हो तब बच्चे, क्योंकि ये ओनली देखना और बुक्स में देखना ये अलग बात होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक डेरिवेशन करने के लिए आप लोगों की जो भी चीजें हैं वो पूरी की पूरे साथ में रखना, बुक्स आपकी नोट्स हो या आपकी नोटबुक हो, जो जो दो चार बुक लेके बैठ लेना बेटा, अभी चांस नहीं है। तो इसलिए बिना दौड़े हुए काम करना सीख लो यार। तो चलो यार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर के ऊपर आज हम लोग महारिविजन के लिए तैयार है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अभी तो देखो, ये हिस्ट्री केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो इसमें तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। मैं कोई आपको बेसिक लेवल से कना ऋषि आए थे उन्होंने बताया था, है ना, ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके बुक्स में जो बातें करूंगा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उन्होंने क्या किया पड़ता है, एक यूआर ग्लास ट्यूब ली थी और इस ग्लास ट्यूब में एक रखा था इमीटर, एक कलेक्टर रखा था, इसमें से वोल्टेज प्रोवाइड किया था और वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो है बेटा, इसको कैथोड एनोड भी बोल सकते हैं, इसको कैथोड बोलो, इसको कैथोड बोलो, कैथोड कैथोड, और इसको क्या बोलना है बेटा, एनोड बोलो एनोड। तो उन्होंने इस कैथोड से क्या देखा, कुछ पार्टिकल, मतलब हमने क्या बोला था इसके पहले यार, एटम को हम लोग नहीं क्या तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने हिला दिया सब फिजिक्स को। क्या बात है सर, हाँ जी, क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार जब भी मैं कोई मटेरियल के ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा था तब सम पार्टिकल यहां से इमिट हो रहे थे और इसके जाके पीछे चुप रहे थे भैया, समझे क्या, किसके, एनोड के पीछे। तो उन्होंने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में कि यार यहां पे कोई भी मटेरियल हो, कोई भी, है ना, तो उसके अंदर एटम्स के अंदर उन्होंने देखा कि यार ये तो ऐसा एक मतलब एक जैसे बोलते हैं ना हम लोग ऐसे तरबूज खाते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि ये सीड से, कैसे, ये जैसे कि रेड कलर के सीड से, ऐसे 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 ये सीड से बेटा, ठीक है, ओके, ये सीड से और तरबूज के अंदर पता है ना उसका जो हम लोग खाते हो जो मटेरियल है ये पॉजिटिव, और ये जो दिख रहा है ये ऐसा लग रहा है कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसे एम्बेडेड हो चुके हैं, ऐसे उन्होंने सभी थ्योरी के अंदर बताया। अब ये मैं पढ़ के तो नहीं दिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना, नहीं तो बताओ या एकंडर मॉडल, है ना, स्पीयर जैसे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर एम्बेडेड कर चुके हैं ये वो, तो आप लोग थोड़ा सा नेट पे जाके सर्च करो, मतलब जैसे तरबूज खाते हो यार, सबको पता है, किसको नहीं, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बाकी मटेरियल जो पॉजिटिव है, ऐसा बोल के उन्होंने थम्सअप एटॉमिक मॉडल को यहाँ पे बिल्डअप किया था, गॉट इट। तो ये चीज थी उनके अंदर जो बताई गई थी, आपके बुक्स के हिसाब से भी मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं है, ठीक है, बस यही करना था आप लोगों को। ज्यादा यहाँ पे मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया एक्सपेरिमेंट है, बाद में पल्प मीडियम जो मॉडल उन्होंने बताया है, ठीक है, ये ऐसा बता। अब क्या हुआ बाद में, एक साइंटिस्ट आ गए और उनका नाम था रदरफोर्ड। एक्चुअली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं है, ये किसी साइंटिस्ट ने, जैसे कि गिगर्स एंड मॉल्डन नाम के जो उनके नीचे जो पीएचडी करने वाले लोग रहते, पता है ना आप लोगों को, ऐसे छोटे असिस्टेंट बोल सकते दोनों थे, उन्होंने ये रदरफोर्ड बहुत बड़े एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उनको दे दिया, उनको बोला कि भैया ये आपको मैं गोल्ड फॉइल दे रहा हूं, क्या, एक गोल्ड फॉइल समझते हो, सोने की पत्रा, और उन्होंने बोला कि अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट करो, और ये गोल्ड फॉइल को इतना पतला किया जिसमें से जैसे कैसे साड़ी जूती ना, अरे लेडीज पहनते हैं साड़ी, तो उसके अंदर से हमको आर पार दिखाई देता, कितनी पतली ही होती है, वैसे सोनी की जो झील है बेटा वो इतनी पतली सी कर दी जिसमें से सिंगल एटॉमिक लेयर जैसी पतली कर दी। अब पतली करने के बाद ये अल्फा पार्टिकल आएंगे, क्या बोलेंगे, खटाक से चले गए, जैसे चले गए हम लोगों ने देखा कि ये एटम से, इसको जूम किया, एटम इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल खटाक ऐसे जा रहे थे बेटा, पास हो रहे थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे, अच्छा बात, और कुछ पार्टिकल आके रिबाउंड होके वापिस आ रहे थे, रिबाउंड समझते हो ना, जाके वॉल पे के ऊपर अगर हमने बॉल फेंकी तो कैसे रिबाउंड होता है, वैसे रिबाउंड हो रहे थे, और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे,
तो तीन चीजें उन्होंने देखी, किसने? गीगर्स एंड मल्डन ने देखी एक्चुअली, ठीक है। उन्होंने देखा कि जब भी हम लोगों ने एक गोल्ड फॉइल लिया सामने, और इस गोल्ड फॉइल के आगे है ना एकदम सामने एक अल्फा पार्टिकल इमिटर करने की मशीन रखी, खटाक जैसे बंदूक की गोली होती है वैसे, है ना, खट 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 अल्फा पार्टिकल मार रहे थे, डायरेक्ट पास हो रहे थे, कुछ ऐसे डायरेक्ट, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ रिबॉन्ड खटाक से वापिस आ रहे थे। तीन चीजें देखी। तो उन्होंने बोल दिया रदरफोर्ड साहब को कि सर सर भाग के आए, और उन्होंने बोल दिया सर ये क्या जादू हो रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट पास हो रहे, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे और कुछ रिबाउंड हो रहे, वापस आ रहे। तो उनके थ्रू हमारे रदरफोर्ड साहब ने बोला कि यार एटम एक एम्प्टी पेस है, बहुत बड़ा एक एम्प्टी पेस है, और उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहे वो सेंटर पे हो रहे, और बहुत कम मात्रा जो है रिबाउंड होने की वो बहुत ही कम है, सबसे कम है रिबाउंड होने वाले, पास होने वाले सबसे ज्यादा और डिफ्लेक्ट होने वाले कुछ है। इसका मतलब उन्होंने बोला कि सेंटर पे ऐसा एक पार्ट से अटम के जो सबसे ज्यादा मास है उसका, और वो है 99.9% इतना पार्ट से, और उसका नाम रखा उन्होंने न्यूक्लियस, और इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, और चार्ज है इसीलिए तो बेटा ये कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे, अल्फा पार्टिकल ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, इसीलिए तो बोला हमने। ओके, मतलब सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा पास हो रहे मतलब एम्प्टी है, वो इतना मतलब 10^-15 मीटर इतना एटम की साइज है, और इससे न्यूक्लियस की साइज पता लगी -10, नहीं ये न्यूक्लियस की एटम्स की है ना, ओके छोटी है ना साइज, हाँ तो यहाँ पे 10^-5 मीटर डिफरेंस है, मतलब न्यूक्लियस की साइज एटम से 1,00,000 गुना कम है, टाइम्स कम है, 1,00,000 टाइम्स कम है, आप सोच सकते हो कि कितनी कम होगी। इसका मतलब एक हो गई चीज, उन्होंने न्यूक्लियस की साइज भी बताई, न्यूक्लियस का नाम क्यों रखा, उसका मास बताया गया है। ओके, तो ये सभी चीजें न्यूक्लियस आप सॉरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बताए, मतलब करीब करीब हम लोग अभी सही सही फिजिक्स पढ़ने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसमें भी एक गलती कर दिया हमारे रदरफोर्ड साहब ने। सर क्या बात कर रहे, रदरफोर्ड ने भी मतलब यहाँ पे एक्चुअली रिस्पेक्ट टू नाम लेना चाहिए, हम लोग ऐसे क्यों वन वे नाम लेते पता नहीं, डिफिकल्ट विद द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा तब सम रेडिएशंस बाहर इमिट करेगा, एनर्जी बाहर इमिट करते रहता है, तो इमिट करने के कारण उसकी एनर्जी जैसे खत्म होगी वैसे 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 वो स्पाइरल पाथ कहते हैं उसको, इस पाथ का नाम क्या बेटा, स्पाइरल पाथ से वो न्यूक्लियस में जाएगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में जाएगा तो वो एटम रहेगा क्या, कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, क्या एटम्स कोलैप्स होते हैं क्या, नहीं होते। तो ये उन्होंने सबसे बड़ी एक गलती हमारे रदरफोर्ड साहब ने बताया कि स्पाइरल पाथ से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और लॉस करते रहता और फॉल होने के बाद वो कोलैप्स होता है। चलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा बाद में बेटा क्या हुआ, एक मैं प्रिज्म लेने वाला हूं, मेरे हाथ में प्रिज्म है, अभी दिखाई दे रहा होगा शायद, मैंने पहले क्या किया, एक मेटालिक रॉड लिया, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद इसमें से कुछ रेडिएशन हीट बाहर निकलती है, रेडिएशन बाहर निकलते देखा होगा आपने, फिर उसमें से वो लाइट पास की तो उसके अंदर से स्पेक्ट्रा बाहर आ, स्पेक्ट्रा बताया ना आप लोगों को, हाँ पूरे के एक्सरे के हमारे जो 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 आपने पता विजिबल, ठीक है, वो बाहर निकला। बाद में मैंने एक ग्लास की ट्यूब ली, उसमें क्या किया, हाई टेम्परेचर पर उसको रख दिया, रखने के बाद उसकी जो लाइट या रेडिएशन इमिट हो रही थी इस प्रिज्म से पास, प्रिज्म से पास करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला कि कुछ पर्टिकुलर लाइन के वेवलेंथ ओनली पास हो रही थी, कौन कौन सी, ये 410 है, 434 है, 486 है और 656, इतनी ही इस वेवलेंथ को मैं इमिट कर सकता था, मैंने देखा। उसके बाद में यूवी रे, विजिबल रे, इसी को बेटा हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा नाम की चीज आपको पढ़ना मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया लाइन स्पेक्ट्रा, इसका देखो इमिटेड रेडिएशन ओनली फ्यू सेलेक्टेड वेवलेंथ When pass through the prism, मैंने ये prism रखा था, इस prism से पास किया, उसको line spectra कहना है, उसको क्या कहेंगे, line spectra कहेंगे, okay? तो हम लोगों ने ये wavelength के नाम already बता दिया आप लोगों को। हम लोगों को बेटा बाद में क्या हुआ
कि उस लाइन स्पेक्टर को हम लोगों को कुछ नाम देना पड़ा और इस नाम ग्रुप जो है बेटा है ना डिवाइडेड इनटू सम ग्रुप सीरीज किए और कुछ साइंटिस्ट के नाम है जैसे कि लैमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज नाम जाए। मैं नाम लेता हूँ हमेशा लेडी ब्यूटी पार्लर बेगमपुरा। मैं औरंगाबाद में रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो हमारे यहाँ पे बेगमपुरा है, वहाँ पे लेडीज ब्यूटी पार्लर। देखो लेडीज लैमन सीरीज, ब्यूटी बाल्मर पार्लर, पैसन सीरीज, बेगम, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसकी कितनी वेवलेंथ होती है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर। और ये एन कौन है बेटा, यहां का ये इनर ऑर्बिट और ये आउटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैमन सीरीज के लिए एन क्या लिखोगे 1, लेकिन एम क्या लिखोगे 2 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, देखो ये 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, तो 2 3 4 डॉट डॉट, समझ में आ रहा है आपको। ओके, आर इज द कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1.09 3×10⁷ पर मीटर है, ये भी इसकी वैल्यू होती है। अब रही बात ये, अब यहां पे क्या होता बेटा, जैसे जैसे आप ऊपर 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 जाओगे वैसे वैसे ये जो लाइन है ना ये बहुत क्लोज 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 होती है। और यहां पे हम लोगों को यम की वैल्यू अगर इंफिनिटी रखोगे तो क्या फार्मूला मिलेगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय एन स्क्वायर, 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी जीरो होता है तो इसको मतलब ही नहीं, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर बाय एन स्क्वायर। ये फार्मूला मैं प्रूव करके देने वाला हूं, डोंट वरी। तो लैम्डा उल्टा करना है तो एन स्क्वायर बाय आर, कब बेटा जब आप ये कहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लैमन सीरीज पे, इंफिनिटी से, तब ये फार्मूला आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से मैं बता देता हूं, जैसे 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 ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वैसे 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 मेरी वेवलेंथ डिग्री 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 होगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहां होगी वेवलेंथ। अब ये एनर्जी भी होती है, हर यहां पे एनर्जी कितनी, यहां पे -13.6 इलेक्ट्रॉन होती है, यहां पे 3.4 होती है, लेकिन माइनस में कैसे मैं प्रूव करके देने वाला हूं। ये स्पेक्ट्रम हम लोगों को बाद में भी पढ़ने वाले, इसके ऊपर ड्रॉ द लेबल डायग्राम, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ जाए तो ये तो डायग्राम निकालनी है। साथ में बेटा यहां पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, -3.4, यहां पे -1.51 है, 0.85 है ना, ये ऐसे ऊपर ऊपर एनर्जी जो है आपको लिखना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन बोर्स एटॉमिक मॉडल। बेटा क्या हुआ, रदरफोर्ड साहब ने जो जो गलती की, देखो साइंटिस्ट न्यू साइंटिस्ट क्यों आते, किसी साइंटिस्ट ने कुछ थोड़ा सा प्रिडिक्शन किया था, कुछ प्रैक्टिकल में कुछ गलती नहीं बोल सकता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं है ना, कुछ डिसएडवांटेजेस होते या उनको खोज नहीं मिली थी, उसको आगे और खोजते हैं और कुछ बता देते। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में जब होता है तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ओनली टेक द सर्टन फिक्स वैल्यू होती है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, एंगुलर मूवमेंट। तो यहां पे मैं आप लोगों को जो प्लैंक ये है इसके पॉसुलेट है वो बताऊंगा, शायद नहीं इसमें गलती हो गई है, चलो कोई टेंशन नहीं, मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो देखो पहले जो बोर्स एटॉमिक मॉडल की फर्स्ट पॉसुलेट थ्योरी क्या कहती है, फर्स्ट पॉसुलेट थ्योरी कहते हैं कि एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू क्या है, बता देता बेटा कोई टेंशन नहीं, क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज गोल घूम रही है तो एक फोर्स होता है और उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और वो होता है एमवी स्क्वायर बाय, समझे बेटा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई ओरिजिनल फोर्स नहीं, किसी के कारण तैयार हुई वाली फोर्स है, मतलब सर बताता हूं कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये है कि यहां पे जो फोर्स है वो दो चार्ज के बीच में, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हुए उसके कारण सेंट्रिपिटल फोर्स हुआ है तैयार, ठीक है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स दिख रहा है वो है मेरे पास 1/4πε0Q1Q2/r2। अब ये Q1, Q2, E है तो E मल्टीप्लाई E स्क्वायर होगा, तो ये हमारी मोटे मोटे तौर पे यही हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी थ्योरी, क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, इस कौन कर रहा है लेकिन टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू प्रोवाइड द
सेंट्रिपिटल फोर्स कर रहा है, बस इतना बताना है। दूसरी पॉसिबिलिटी, आप लोग यहां पे इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, मतलब कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा भैया। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है क्या, NH अपॉन टॉइस पर, यानी इज द प्रिंसिपल कंटिन्यू मूवमेंट, मतलब कौन से ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और थर्ड जो है बेटा, उन्होंने जो बताया था गलती, उन्होंने कहा कि यार ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल पाथ से नहीं आता, जो आप लोग जो बोल रहे ना वो गलत है सरासर। इलेक्ट्रॉन आता होगा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की कोई भी ऑर्बिट में रहा तो उसकी फिक्स एनर्जी रहेगी, कुछ भी जो भी होगी, -13.6 जो भी, ठीक है, तो ही वो इलेक्ट्रॉन वहां पे रह सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब उसने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस, और 3.4 उसने 5.5 लिया, तो इलेक्ट्रॉन बीच में थोड़ी रहने वाला, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद की एनर्जी इमिट करना पड़ेगी। मतलब मैं ये बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन तो ये कि यहां रह सकता या यहां रहेगा या यहां रहेगा, जैसे कि यहां पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पे जो है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसे नहीं है, उसको यहां से यहां आना है, हाँ आ जा बेटा, कम एनर्जी करना पड़ेगी, तो एनर्जी कम करना है बेटा, ये माइनस नंबर है तो बच्चे को लगता है -13.6 सर ज्यादा नंबर है ना, नहीं यार माइनस है तो छोटा है, माइनस में जितना बड़ा नंबर लिखोगे उतना छोटा होता है। बच्चे ने मुझे कमेंट किया था एक वीडियो में, आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो बेटा उसको सम एनर्जी इमिट करना पड़ेगी, बाहर डालना पड़ेगी, तो ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा इस ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं EI - EF = HυE इज द एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, वो कितना डिफरेंस करेगा, तो EI - EF इतना करेगा, तो ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी शायद समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं, और आगे बढ़ता हूं। तीनों पॉसिबिलिटी बेटा, तीनों भी आपके इसमें दिया गया है, यहां पे यही बता रहा, इसके भी कुछ वसूले लिमिटेशंस है ना। इसके पहले मुझे लगता है कि आपकी बुक्स में थोड़ा सा कुछ चीजें है, रेडियस निकालना चाहिए, मैं रेडियस निकालने के लिए कोशिश करूंगा पहले, सबसे पहले, क्योंकि रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट निकालना है, अब आपके पास दिमाग में पक्का होना चाहिए। नंबर एक क्या बेटा, mv²r = 1/4πε₀e²r². दूसरी बेटा mvr = nh/2π। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने तो अभी लिखा है nh/2π, l = iω होता है, पता है आपको रोटेशनल डायनेमिक्स, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, mr², v = r ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा बेटा, v/r, वैल्यू पुट अप करो बोला mr², यहाँ पे v/r, r से r मर दो, देखो mvr कैसे आ गया, दिमाग में रखो यार, दिमाग बहुत चलना चाहिए। और तीसरी पॉसिबिलिटी है EI - EF = HυE, तीनों पॉसिबिलिटी दिमाग में ऐसे अंदर डालो, क्योंकि बेटा फाइनल है, अभी फाइनल मैच है, फाइनल मैच में गलती नहीं चलती, तो कर लो, 2-4 बार बोलो, 5 बार बोलो यार, बोलो इतना बोलो कि बस थक जाओगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इस्तेमाल कर रहा हूं, mv²/r = 1/4πε₀e²r², तो यहां से एक आर आर मर गया बेटा, ठीक है, यहां से आर एक आर मर गया, और मुझे v² चाहिए, v², तो ये होगा e²/4πε₀rm, ये इक्वेशन नंबर वन। सेकंड पॉसिबिलिटी है mvr = nh/2π, ये आपका दिमाग है भैया, आपको कैसे लगाना ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप ऐसे ही करो, ऐसा कुछ नहीं रहता। अब देखो v की वैल्यू मुझे पुटअप करनी थी, तो nh/2πmr, ये mr इधर आ गया, इस इक्वेशन वन में पुटअप कर दो वैल्यू, इसकी वैल्यू v का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, तो बेटा v का स्क्वायर, n² h² v की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, 4 2 का स्क्वायर, ये π² m² r² मैंने इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू पुटअप करना चालू है, e²/4πε₀rm, चलो क्या कैंसिल कर सकते हो सर, हाँ जी 4 4, एक पाए से एक पाए गया, एक एम से एक एम गया, एक आर से एक आर गया, क्या बचा है सर, देखो यहां पे n² h है, हाँ तो n² h² पाए बचा था, एक एम
आर बचा था, यहाँ पे ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन ही बचा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आर को अगर इधर भेजे, देखो इस आर को इधर भेज रहा हूँ ऐसा मानो, तो ये इधर आने के बाद मुझे एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर हो रहा है क्या? हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस आर को इधर भेजा तो इसका उल्टा नहीं होगा। देखो ना, एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर लिखा है, ये एक पाई बचा था पाई, ये एम, ये ई स्क्वायर, ये आर तो इधर आ गया ना, ये आर इधर आ गया, तो यही हमारा रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। अगर आपने ऐसा भी लिखा एप्सिलॉन स्क्वायर या स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर है ना या स्क्वायर, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझे क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली है, डायरेक्टली ठीक है। अगर एन की वैल्यू वन रखो बोला, इसको आर एन भी बोल सकते, आर वन एप्सिलॉन स्क्वायर या स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर है ना, एन की वैल्यू वन, मतलब यार यहां पे आर एन इज इक्वल टू आर वन एन स्क्वायर, या शॉर्टकट फार्मूला लगा सकता हो क्या? हाँ जी, यही है रेडियस का बोर्स ऑर्बिट। बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो, हाइड्रोजन एटम हो, तो उसका रेडियस स्पेक्ट्रम नहीं है, एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाय पाई ई एम स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन किए गए और इस कैलकुलेशन के दौरान में रेडियस बोर्स ऑर्बिट 0.53 आइंस्टाइन यूनिट है आई थिंक, देख लेना, मेरा कभी कभी गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ, नहीं है फटाफट लेना, इसलिए कैलकुलेशन मैंने किए नहीं है, बता रहा हूँ। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? बेटा इसका वैल्यूज है, जो कि वैल्यूज आप लोग डाल सकते हो 8.85 × 10^-12 है ना कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर वैल्यू है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट की 6.63 × 10^-34 जूल सेकंड, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.142, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की बात चली है तो 9.1 × 10^-31 kg, और चार्ज बेटा 1.6 × 10^-19 कूलम। इतने सारे चीजें हैं, ये चीजें अगर इसमें पुटअप करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही बट्टो? बच्चों यही हम लोगों को अभी काम में आने वाला है, रेडियस पता होना चाहिए, जो कि मुझे रेडियस पता है यार। ये क्वेश्चंस आप दिमाग के ऊपर, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आता है, ये आप ऑसिलेटरी का यूज करके आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे यहां पे वेलोसिटी पूछी है, समझो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, ये वैल्यू अब मुझे पूछा है कि वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी निकालो इस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे, देखो एक थोड़ा सा एक बात भूल गया था यार, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि यार वेलोसिटी अगर कांस्टेंट भी रहे तो डायरेक्शन के कारण एक्सेलरेशन होता है, और इसके कारण वो एनर्जी इमिट करता है, ये डायरेक्शन के कारण, तो ये स्पाइरल पास से नीचे आता है। सॉरी थोड़ा सा भूलना बोल गया था, देखो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस होती है, डायरेक्शन के कारण एक्सेलरेशन, भले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से कर रहा हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। चलिए वेलोसिटी निकालनी सर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर फार्मूला, हाँ कौन सी थ्योरी है? पोस्टुलेट की फर्स्ट थ्योरी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ का आर आर गया तो एम वी स्क्वायर आर, समझ में आया बेटा? ये आर आर मर गया, ये आर इधर आ गया ना, लेकिन तो बचा क्या, ई स्क्वायर बाय 4π ε₀, इक्वेशन वन। एम वी आर ये किसका इक्वेशन है यार, एन एच अपॉन टॉइस पाई, इक्वेशन नंबर टू। देखो फर्स्ट पॉसिबल पॉसिबिलिटी थ्योरी का खेल है, खेल जिन बच्चों को खेलना आता है ना यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो बिल्कुल इसका जवाब कभी भी गलत नहीं करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा आपको। चलो डिवाइड करते कर लो सर, यम से यम मर गया, आर से आर मर गया, एक वी से वी मर गया, तो वी मिल गया सर क्या, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4π ε₀, डिवाइड का डिवाइड ऊपर करते, खाली मुंड का वही पाए बोलते उसको है ना यार, पाई से पाई मर गया, ये टू हो गया बेटा, हाँ जी, वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर टॉइस एप्सिलॉन एच, इस एन को जानबूझकर बाहर निकाल रहा हूं, यही है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन इज द फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, इसलिए याद आता रहता,
कौन है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब इससे मोमेंटम पूछ सकते हैं। देखो यार, ये आपका तो खेल है, खेल माइंड का खेल है, यम वी, बस पी इज इक्वल टू यम, ये वी की वैल्यू है बेटा मेरे पास, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉ इज एप्सिलॉन एच, हो गया यार खेल खत्म, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यम, हो गया यार। क्या बात है सर, क्या बात कर रहे हैं आप, कितना सिंपल सिंपल चीज है। अब देखो कोई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पूछे, कौन सा सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन पूछे इसका, इस इलेक्ट्रॉन का, तो मुझे बताओ ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है, अब वी है मेरे पास ऑलरेडी, इसका स्क्वायर करो बोला वी का, ई रेस टू फोर होगा स्क्वायर का स्क्वायर, फोर एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर यंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू तैयार है। मुझे लगता है डिवाइड का डिवाइड ना करते हुए हम लोग उसको उल्टा कर देते। क्या बात है सर, क्या बात है, पाई एम ई स्क्वायर, देखो डिवाइड का डिवाइड, देखो वी स्क्वायर बाय आर है, लेकिन इसका डिवाइड का डिवाइड बाद में न्यूमरेटर करो, एक टर्म बढ़ाने से अच्छा कि इसको उल्टा लिख दो सर, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर यंग स्क्वायर। चलिए सर, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, तो सर एक काम करो, कुछ मार सकते हैं क्या, मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं भैया मारने के लिए। चलिए तो यहाँ पे पाई एम ई रेस टू सिक्स, कैसे बेटा ये चार ये दो है ना, फोर, हाँ सर, एप्सिलॉन क्यूब एच रेस टू फोर एन रेस टू फोर्थ, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ये फोर्थ पावर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यार कितना निकाल सकते, कितना निकाल सकते, कितना, आप लोग इसका ओमेगा निकालो, तो पीरियड इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा, सर ओमेगा कैसे निकालो, वी बाय आर निकालो यार, वी है मेरे पास ऑलरेडी, देखो ना ये मैं क्या बोल रहा हूं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैं इसमें ज्यादा एन एच, सर आर को उल्टा करो, हाँ पाई एम ई रेस टू फोर डिवाइड बाय एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर, कितना निकाल सकते हो यार, कितना निकाल सकते हो आप ही बोलो। ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकता हूं अभी यहां पे देखो, पाई एम ई रेस टू फोर ये टॉइस एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन क्यूब, अब इसमें भी डालो, बाद में फ्रीक्वेंसी निकालो, भैया कितने सवाल बोलेंगे सर, बेटा ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, जिन बच्चों को रोटेशनल डायनामिक्स की कुछ चीजें पता है वो बिंदास यहां पे कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ता बच्चों, ज्यादा मैं बता रहा हूं इसीलिए आप बोलेंगे सर हमारे बुक्स में नहीं है, नहीं बेटा यही तो खासियत है फिजिक्स, इसी को कहते हैं कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर रहे हो। चलिए ये भगवान ये पढ़ा ये, हाँ लिमिटेशन बेटा क्या है, बहुत साफ तो आए उन्होंने बता दिया, ठीक है सब चीजें करेक्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन है, क्या उन्होंने ओनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ही बताया है, बाकी के लिए नहीं बता। देखो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के छोड़ के बाकी किसी को बताया ही नहीं उन्होंने। फॉर हाइड्रोजन मोर एक्यूरेट स्टडी ऑफ ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम शो द मल्टीपल कंपोनेंट ऑफ सम लाइन्स, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ दिस मॉडल, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इमिशन लाइन सीन टू डिफरेंट फ्रॉम लाइन टू लाइन है, मतलब डिफरेंट लाइन टू नो इसका भी एक्सप्लेन, डिफरेंट टू डिफरेंट लाइन टू लाइन है तो इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, और ये थ्योरेटिकली बताया उन्होंने इंटरवल, पर बट आपको पता है कि बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, हाँ ये रेडियस मैंने अभी बताया, अब इस आपकी बुक्स में झेड़ लिखा रहता है, ये झेड़ क्या है आप लोग नहीं के यहाँ पे घबराने के चांसेस हो सकते हैं, तो झेड़ बेटा हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मार के उसका एटॉमिक नंबर वन है ये कंसीडर करके चल रहे हैं, समझे क्या, तो इस बातों को समझ लो, ठीक है। एनर्जी ऑफ, हाँ अब एनर्जी के लिए लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मुझे बताओ क्या आपको अभी अभी जो मैंने वेलोसिटी निकाल के दी थी क्या वो याद है, क्या याद है, याद नहीं है तो आर की वैल्यू लिख दो, दोबारा लिख रहा हो बेटा कितने बार लिख के हो रहा है मेरा, मुझे याद होने की है ना, एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर मुझे याद हो रहा है, और वेलोसिटी ई स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन एच एन, ये वैल्यू याद ही हो रही है मेरे को, आपको हो रही कि नहीं मुझे पता नहीं भैया, कितने बार लिखूं मैं। चलिए हम लोगों को एनर्जी निकालना है, कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहा तो उसकी कितनी होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी तो सबको पता है, इतने बच्चे तो नहीं आप लोग, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सर काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम ई स्क्वायर, मुझे नहीं सब दुनिया को पता
है ना। तो ये होगा बेटा ई के, लिखो क्या यार, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ एम वी का स्क्वायर करो यार, वी का स्क्वायर मतलब ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं फोर ना बेटा स्क्वायर है ना, हाँ टू का स्क्वायर होता है फोर, एप्सिलॉन स्क्वायर या स्क्वायर या स्क्वायर, थोड़ा अच्छा लिखो सर, ठीक है लिख देता बेटा, एम ई रेस टू फोर डिवाइडेड बाय टू टू जा टू फोर जा एट एप्सिलॉन स्क्वायर या स्क्वायर या स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको पता नहीं है पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, और ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी इंटू क्यू, ये पता होना चाहिए। चलिए सर बस हो गया, अभी पता लगा। हाँ पोटेंशियल का फॉर्म देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, फार्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, फार्मूले इंपॉर्टेंट है, फार्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला। चलिए तो सर बताओ इसका पोटेंशियल का फार्मूला है कौन सा, चार्ज 1/4πε क्यू बाय आर, ये फार्मूला है मेरे पास। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε नॉट है ना, यहाँ पे क्यू क्यू नहीं अभी ई लिखना है सर, ई बाय आर माइनस ई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε नॉट आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी है ना। चलिए सर ऐड करना पड़ेगा, हाँ जी टोटल एनर्जी कैसे निकालते, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकालनी ही मुझे, उसको ई बोलते हैं, चलो ऐड करते हैं, एम ई रेस टू फोर डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये अच्छा इसमें आर भी डालना बाकी है बच्चों, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में आर डालना जरूरी है। चलो मुझे थोड़ा सा इसको खत्म करके आर की वैल्यू पुटअप करके डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो क्या है 4πε नॉट डिवाइडेड बाय आर है ना, तो मैंने कितने बार बोला डिवाइड बाय आर, तो उल्टा करो इसको इस वैल्यू को, तो इसको वैल्यू को पाई एम ई स्क्वायर एप्सिलॉन एस स्क्वायर यंग स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी ईपी भी बोल सकते थे आप, यहाँ पे पाई से पाई को मरवा दो, एम ई रेस टू फोर डिवाइडेड बाय कुछ गड़बड़ नहीं ना, हाँ फोर एप्सिलॉन मल्टीप्लाई एप्सिलॉन स्क्वायर एस स्क्वायर यंग स्क्वायर। चलिए सर ये होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ एक बात याद रखिए, ये माइनस है ना, इसलिए माइनस डालना मत भूलिए, यहाँ पे प्लस था तो लेकिन माइनस क्यों आ गया, ये माइनस इसलिए एम ई रेस टू फोर फोर एप्सिलॉन स्क्वायर या स्क्वायर यान स्क्वायर। चलिए सर ई इज इक्वल टू एम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन स्क्वायर या स्क्वायर यान स्क्वायर, यहाँ पे बचा है 1/2, समझे बेटा, नहीं 4 होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये 4 है, 4 × 8 माइ है यार, यहाँ पे 1। अब मुझे बता हाफ में से 1 जाता है क्या, 1 में से हाफ, अरे ये हाफ मतलब आधा 50 पैसा, तो माइनस आंसर आएगा ना उसका, तो बच्चे पूछते हैं अक्सर मुझे एम ई रेस टू फोर फोर एप्सिलॉन स्क्वायर या स्क्वायर यान स्क्वायर माइनस हाफ, अगर माइनस करोगे तो आपको पता है ये माइनस आएगा, एम ई रेस टू फोर 8 होगा, 4 × 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर और यहाँ पे यान स्क्वायर। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है। कोई शक यार, मुझे लगता है कि यार ये जो है इसके ऊपर 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, इसलिए मैं जानबूझकर थोड़ा सा बाजू हटाऊँ और थोड़ा सा पानी पी लेता भैया, पानी कितने बार बोलू यार कि लिख लो, चलिए बढ़ते हैं भाई साहब आगे और भी मजा आएगा। चलिए ये होगी, अच्छा यार हाँ हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो एनर्जी है जो ये जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था यहां पे, इसके ऊपर सवाल, ये फार्मूला कैसे आया, ये दिमाग में आने के चांसेस हो सकते हैं, सर आपने इसका एक्सप्लेनेशन तो बताया नहीं, तो इसलिए बताना भी जरूरी है ना। देखो कैसे, मुझे बता आपके पास अब ये एनर्जी मिली है,
क्या एनर्जी मिली थी? एनर्जी माइनस एम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। कोई शक है यार, यही एनर्जी मिली थी? क्या यही एनर्जी मिली थी आपके पास? हाँ या ना यार, हाँ या ना बताओ यार। यार बताने से ही मुझे तो पता लगेगा ना कि हमारे बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। एम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन है ना, एट एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं यार, कुछ बुक्स में गलत तो नहीं है ना बुक्स में? एक मिनट, गड़बड़ दिख रही बुक्स में मुझे, मेरे पास और भी मेरा करेक्ट यार बुक्स में है ना, एप्सिलॉन स्क्वायर चाहिए पेज नंबर 328 पे, गलत है वो। और जेड स्क्वायर मैंने बता दिया आपको, नहीं तो जेड स्क्वायर पर झगड़े मत करना। चलिए सर, हम लोगों को से थर्ड पॉसिबिलिटी रखना है। मैंने बोला था इनर ऑर्बिट, ये आउटर ऑर्बिट। यहाँ पे यम लिखा है और यहाँ पे यम लिखा है आपके बुक्स में, ये यम लिखा है ठीक है। तो एच न्यू इसकी वैल्यू बेटा माइनस यम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर यन। अच्छा यहां पे यन स्क्वायर लिखते ठीक है इनर के लिए, और आउटर के लिए यम लिखेंगे। देखो यम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर यम ई स्क्वायर, समझे? ओके तो यहां पे एच सी बाय लैम्डा। सर ये कहां से लाते हो बेटा? सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है, तो मुझे लगता है न्यू है तो सी बाय लैम्डा होगा, है ना सी बाय लैम्डा। हाँ चलिए, मुझे लगता है कि ये माइनस, और ये ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये एक माइनस और एक माइनस अंदर वाला, माइनस माइनस प्लस। तो इस टर्म को पहले लेते हैं। कुछ किया क्या गलत? गलत लग रहा है क्या? हाँ हायर ऑर्बिट इनर है ना, यस 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 यस, ये यम है बेटा, ये यन है ठीक है, वो थोड़ा सा बुक्स में अलग है ना इसलिए हो रहा है। चलो तो यन वाला टर्म प्लस हो रहा है इधर आके, एम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये यन स्क्वायर है समझे। ये माइनस माइनस प्लस होके इधर आया, ये माइनस एम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर ठीक है। तो एच सी बाय लैम्डा यहां पे एम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर वन बाय एम स्क्वायर माइनस वन बाय एम स्क्वायर। कोई शक है यार? मुझे लगता है कि मुझे वन बाय लैम्डा ही निकालना है। तो एम ई रेस टू फोर एट, ध्यान रखिए एप्सिलॉन स्क्वायर। अब ये सी इधर आ गया और ये एच इधर आ गया, तो क्यूब समझे बेटा। देखो एम ई रेस टू फोर एट एप्सिलॉन स्क्वायर, ये सी है एच क्यूब, तो वन बाय एन स्क्वायर माइनस वन बाय एम स्क्वायर। तो इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं आर, वन बाय एन स्क्वायर वन बाय एम स्क्वायर। ये मुझे यहां पे कैसे फार्मूला मिला समझे? ओके ये बेटा इनर ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट। अब ये लामेर सीरीज बाल्मर सीरीज पैसन सीरीज ब्रैकेट सीरीज के ऊपर डिपेंड है। और हमने जो एनर्जी निकाली थी ना बेटा, इसके कैलकुलेशन एक बताना बाकी है। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यंग स्क्वायर है समझे, और इससे कैलकुलेशन करने के बाद उनको दिखाई दिया कि ये है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन होल। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते बेटा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन होल। मास की वैल्यू मैंने बताई, चार्ज की वैल्यू मैंने बताई, एप्सिलॉन की बताई मैंने है ना, उसके बाद में प्लैंक कांस्टेंट की बताई, यन तो वन लिख रहे। इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिखने का तरीका हो सकता है क्या सर? हाँ कैसे, ई यन इज इक्वल टू ई वन बाय यन स्क्वायर। अगर इसको यन स्क्वायर दूसरे रख दो, देखो टू रखो, टू का स्क्वायर फोर, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन होल। यहाँ पे माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन होल्ड, यहाँ पे 0.85 इलेक्ट्रॉन होल्ड माइनस, ऐसे रख सकते वैल्यू आगे आगे। तो आपको कहाँ मिलेगा जिसकी एनर्जी जीरो, तो वो इन्फिनाइट पे मिलेगा, इन्फिनाइट पे मिलेगा। इन्फिनाइट पे रखने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर जम करता है लैमन सीरीज में, तब उसकी वहां की एनर्जी इन्फिनाइट पे जीरो मिलेगी, मुझे लगता है उम्मीद है। अब यहाँ पे लैमन सीरीज के लिए यम की वैल्यू वन रखो, यम की देखो लैमन सीरीज रहता तो वन, यहाँ पे यम की वैल्यू क्या रखते थे, टू थ्री फोर रख के देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आती। इसके ऊपर आता है न्यूमेरिकल, इसके ऊपर आते हैं एमसीक्यू। यही सवाल वेवलेंथ के ऊपर ही सवाल मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, मैंने देखा बेटा। या कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा ये भी पूछ सकते हैं। ये सवाल आपको एमसीक्यूज में आने के चांसेस या न्यूमेरिकल आने के चांसेस है,
मुझे लगता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से समझ में आया, इसको लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगमपुरा ऐसे बोलते हैं। ये आप लोगों के बुक्स में इतना ही दिया है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना तो आपको कम से कम एनर्जी इसकी प्लस देना पड़ेगी, ये माइनस है ना 13.6, तो उसको तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, फ्री कर सकते हैं। इसको -3.4 है तो 3.4 देना पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने अंदर होगा न्यूक्लियस के पास होगा उतने उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और जितने आउटर सेल में होगा उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है अभी लिमिटेशन देखना चाहिए हम लोगों ने, लिमिटेशन चालू है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, बेटा लिमिटेशन इसके भी है, उन्होंने इसको नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा जो है बेटा एटम दे हैव द हाइड्रोजन है ना, अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन से उन्होंने अदर कोई उन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं, ओनली हाइड्रोजन है ना। इवन हाइड्रोजन मोर एक्यूरेटली मैंने बोल दिया था क्या, हाँ ये बोल दिया था मैंने, ये मैंने बोला था, बोला था, ये बोला था, ये भी बोला था, ये भी बोला, हाँ ये तो मैंने अभी प्रूव करके भी दिया। हाँ, डी बोर्गली यहाँ पे हम लोगों को देखो क्या कहते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में ड्यूअलिटी देखी थी, पार्टिकल एज वेल एज ए वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर। तो मैंने क्या बोला था, या कोई भी मैटर जा रहा है, मतलब ये मेरे पास प्रिज्म है आ रहा है आपकी तरफ, आंखों में जाएगा बेटा तो क्या कर रहा है कोई बताएगा मुझे, बेटा ये जब ट्रैवल कर रहा है ना इससे एक बात समझनी है, तब ये वेव एसोसिएट कर रहा है, वो भले वेव छोटी हो लेकिन एसोसिएटेड करता है, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा कि डी बोर्गली सजेस्टेड दैट इंस्टेंट ऑफ कंसीडरिंग द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम पार्टिकल विद स्टैंडिंग वेव, सिमिलर द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग पाइप जो आप लोग देख लेना, तो मैंने ये ऑलरेडी चीजें बताई। हम लोग थोड़ा सा इसके जो कैलकुलेशंस पार्ट है उसको आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी दूसरा का मुझे बताओ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आर एन होगा, तो एन इंटू लैम्डा, एन की वैल्यू आप लोग 1, 2, 3, 4 डैश कर सकते हो। अब यहां पे मुझे अगर लैम्डा निकालना है तो क्या करोगे, टॉइस पाई आर एन डिवाइडेड बाई एन चला जाएगा, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी होगा आपका वो देख लेना। ठीक है, हमने लैम्डा क्या निकाला था, एच बाई पी, लेकिन एच बाई एम वी भी तो हो सकता है। अब यहां पे मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मेरे पास, सबसे मेन आप लोगों को क्या निकालना है, तो ये अगर बात पता लगी तो आपको पता लगेगा मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है बेटा, और एंगुलर मोमेंटम के लिए मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा सोचा जाए तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पी वी निकालना, मतलब पी निकालना है, तो पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा है, तो एच लैम्डा के यार लिखो टॉइस पाई आर एन, ये एन ऊपर जाएगा तो ये मोमेंटम मिल रहा है, एंगुलर मोमेंटम पी इंटू आर होता है, तो अगर पी की वैल्यू रखे एन एच टॉइस पाई आर एन बोलो, या यहाँ पे भी आर एन बोलना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई आर एन आर आर मर गया, तो यही तो पॉसिबिलिटी की सेकंड पॉसिबिलिटी की थ्योरी बेटा, यही सेकंड पॉसिबिलिटी की थ्योरी। ओके, तो फटाक से इसको नोट डाउन करें, ये सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा सा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब हम लोगों को लॉ ऑफ रेडक्टिविटी डिके, बच्चों कुछ सिलेबस डिलीटेड पोर्शन में है इसलिए टेंशन मत लेना यार, बच्चे ने क्या कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, तो 2-3 वीडियो देखो, लिख के देखो, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ रिडक्टिविटी डिके में हम लोग ने क्या डिसइंटीग्रेशन कर रहे, कोई अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का, अपने यूरेनियम का नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल में, सबने सुना होगा, तो इसमें से स्पॉन्टेनियसली इमिशंस होता रहता, तो वो डिके कब तक चलता है, कब तक वो टूट सकते हैं, तो बेटा इन्फिनेट टाइम भी चल सकते, आज आधा टूटेगा कल, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है ऐसा पर्टिकुलर। ठीक है, तो बोलना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिसइंटीग्रेशन है तो ये dn by dt ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, और ये टाइम पे डिपेंड है, और n नॉट जब लिखूंगा ना तब वो इनिशियल सैंपल नंबर होंगे, ये कितने बज गए, ये डीके हो रहा ना, कितना डीके ओके कितने बचे, मतलब इसको अगर ऐसे लिखूं मैं dn by dt तो यहाँ पे माइनस लैम्बडा, लैम्बडा क्यों माइनस लिखूंगा बताऊंगा, तो ये n ऑफ t ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो ये माइनस क्यू साइन लिखा, क्योंकि बेटा ये कम हो रहे, जो भी मेरे पास जो सैंपल नंबर थे, समझो फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा जार ले लिया, इसके अंदर मैंने सैंपल रखे थे, वो कितने डीके हो रहे उसके ऊपर। अब यहाँ पे इस चीजों को ऐसा लिख सकता हूं, देखो ना ये डी एन
माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ये dt इधर चले जाएगा। तो बच्चे पूछते हैं सर ये ऐसे क्यों लिखा, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। इक्वल टू लिखना है तो कॉन्स्टेंट माइनस लैम्बडा, ये कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लिखा है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, dn n के टर्म एक जगह पे लाया मैंने, यहां पे लगे तो मैं करके दे रहा हूं। देखो यहां पे dn, n का टर्म इधर लाना है तो n ऑफ t है ना, उस टाइम पे कितने सैंपल बच गए हमारे, ठीक है, इज इक्वल टू बचा क्या माइनस लैम्बडा, ये n ऑफ t डिवाइडेड है बचा dt। इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन करने पर ओरिजिनल अब कितने बच गए वो सैंपल नंबर है, इसको इंटीग्रेशन जीरो, टाइम जीरो से स्टार्ट होगा तो टी तक, गॉट इट बच्चों, समझ में आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ टी होगा डिवाइड बाय ओरिजिनल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं माइनस लैम्बडा, इसका डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा यार, समझ में आ रहा है। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूं कि लिख के यार समय के साथ चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ टी, ये नेचुरल लॉग निकालोगे तो क्या होता है पता है, ये टर्म्स एक्सपोनेंशियल में चले जाता है, कहां चले जाता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल में चले जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये एक्सपोनेंशियल में टर्म चला गया, अभी अभी क्या कर सकता हूं सर, अभी देखो यहां पे हम लोगों को अगर ये एन ऑफ टी कितना बच रहा है तो ये ओरिजिनल कितना था, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी, ये फार्मूला आपको एक याद रखना क्योंकि इसका मैं यूज करने वाला, बाद में परेशानी नहीं होना चाहिए बेटा। ये जो लिखा है ना आप लोगों ने n ऑफ t डिवाइड बाय dt माइनस, इसको हम लोग कहते हैं बेटा एक्टिविटी, क्या नाम है इसका, एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी का फार्मूला अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख लें, dn बाय dt। अब यहां पे इस इक्वेशन में अगर सोचा जाए, मैंने आप लोगों को लिख के दिया था, याद होगा कि dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा n ऑफ t, याद है dt, याद है याद है। और इसको इक्वल टू लिखना है तो मैंने क्या लिखा था, dt इज इक्वल टू लैम्बडा n ऑफ t, ये माइनस इधर लिखा ना, यहां का माइनस इधर लिखा है यहां पे देखो, ठीक है ना, नहीं बच्चे बोलेंगे ये, तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, dn by dt लिखना है तो लैम्बडा n ऑफ t, मतलब यहां पे सैंपल नंबर कितने, और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। अच्छा तो लैम्बडा, ये n ऑफ t की वैल्यू देखो, ध्यान रखिए n ऑफ t की वैल्यू मेरे पास है, यहां पे n ऑफ t की जो वैल्यू है वो है बेटा मेरे पास लैम्बडा n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, n ऑफ t की वैल्यू जो आती है वो आई थी, देखो n ऑफ t की वैल्यू ध्यान रखिए, ये लिख रहा हूं भाई, ये वैल्यू देखो लैम्बडा एज इट इज, n ऑफ t की वैल्यू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t या e रेस्ट टू माइनस लैम्बडा t, ठीक है। अगर मैंने t की वैल्यू जीरो रखो, यहां पे t की वैल्यू जीरो रखो तो क्या होगा, a नॉट होगा बेटा, a नॉट बनेगा, अभी a नॉट बनेगा तो क्या बचा है यहां पे लैम्बडा n नॉट, ये देखो ना, जहां जहां t है वहां जीरो रखो यार, जहां t है जीरो तो लैम्बडा n नॉट एक्सपोनेंशियल, t रेस्ट टू जीरो रखो तो पावर जीरो है तो जीरो आएगा, मतलब e मिल रही वैल्यू। तो a ऑफ t, इसी वैल्यू को मैं कह सकता हूं क्या, a नॉट, तो a नॉट रखा है एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t, बात समझ में आ रही है, इनको नहीं समझ में आ रहा दोबारा, a एक्टिविटी निकालनी है, एक्टिविटी मतलब क्या, मैंने बोला आपको dn by dt, लेकिन dn by dt क्या मैंने यहां पे प्रूफ करके दिया यार, ये प्रूफ है मेरे पास, ये प्रूफ है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्या हो रहा है ये, हाँ ये प्रूफ है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे, dn by dt लैम्बडा n ऑफ t, अब यहां पे प्रूफ क्या दिया मैंने, टाइम जब जीरो रखा तो a नॉट लिखना पड़ेगा। अब यहां पे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अगर e माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई जीरो करते हो तो जीरो, सॉरी ये पावर वन, जीरो किसी का पावर है तो वन वैल्यू मिलती, पता ना e रेस्ट टू जीरो होगा, e रेस्ट टू वन मतलब वन होता, तो ये वैल्यू मिल रही, ठीक है। अब एक वन क्यूरी जो यूनिट है 3.7 × 10⁻³ बैकरोल होती है, चलो ये तो आपको पढ़ना है, मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे इतना समझा के देना था दे दिया। अब देखो हाफ लाइफ रेड मतलब बेटा हाफ निकाल सकते, किसी का पीरियड निकालना तो पॉसिबल नहीं, हाफ निकालना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है, हाफ हाफ निकालने के लिए मेरे पास ये फार्मूला याद है क्या, पहली बात तो मैंने अब भी बताया था आपको, मैंने फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि कितने सैंपल रहने है यहां पे डिके होके, वो एन ऑफ टी इज इक्वल टू ओरिजिनल कितने थे आपके, इनिशियल कितने थे, मेरे पास 100 है तो आप 80 रहेंगे, बाद में 70 रहेंगे, 40 आपके पास पहले 100 थे, आपके 200 रहने वाले क्या नहीं ना, तो ये इनिशियल पे डिपेंड है, एक्सपोनेंशियल में। अब देखो यहां पे n हाफ पीरियड निकालना है इसका, हाफ तो कैसे निकालोगे, ओरिजिनल से हाफ n नॉट बाय 2 रखना, देखो यही इक्वेशन से इस इक्वेशन में रखा, n नॉट मर गया बेटा 1 बाय 2 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t हाफ है बेटा ये, ठीक है, इस स्मॉल t की वैल्यू क्या लिखनी है हम लोगों को, अभी t हाफ लिखी है,
टी हाफ। मुझे बताओ इसका उल्टा करो, उल्टा किया तो ये पावर माइनस का प्लस होता है, अरे ये पावर एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी, अगर इसको उल्टा करो तो ये ऊपर जाने के बाद माइनस लैम्बडा टी बनेगा डिवाइड बाय वन, समझे क्या, पावर माइनस का प्लस, तो वैसे हो गया। तो यहां पे ये बने, अब देखो ये ई निकालना, एक्सपोनेंशियल निकालना, मतलब ये एल एन बन जाएगा, नेचुरल लॉग बनेगा बेटा किसी का। देखो हमने क्या किया था, एल एन को निकाल के ई डाला था, वैसे ही सेम है। अब देखो ये टी हाफ है, ये लैम्बडा डिवाइड बाय, और इसके कैलकुलेशन करने के बाद इस टी बार को 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, ये हम लोगों को हाफ पीरियड यहाँ पे मिला। अब ये हाफ पीरियड जब मिलता है ना तो ऐसा नहीं होता बेटा एन नॉट बाय टू, बाद में एन नॉट बाय टू, बाद में डायरेक्ट जीरो नहीं होगा, देखो पहले हाफ बाद में जीरो, ऐसे नहीं होता, उसके हाफ हो जाता, बाद में एन नॉट बाय फोर होगा, बाद में एन नॉट बाय एट होगा, बाद में एन नॉट, ऐसे होता बेटा, आगे 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 आगे, इसका इसका हाफ, बाद में इसका हाफ, और इसका हाफ, इसका हाफ, ऐसे नहीं है, पहले वन था बाद में हाफ हो गया, उसका हाफ क्या होगा, जीरो, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, ये हाफ लाइफ पीरियड होती है, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यूसली चलते रहता स्पॉन्टेनियसली एवरेज लाइफ ऑफ रिडक्टिविटी बेसिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे बुक्स में अलग दिया है, लेकिन मैं डायरेक्ट बात करने वाला हूँ। देखो एक्चुअल में टॉर्क की वैल्यू 1 बाय लैम्बडा दी, और लैम्बडा क्या है आप लोगों को मैंने अब बताया, देखो लैम्बडा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे लैम्बडा डाल सकता हूँ मैं, ये टी हाफ की वैल्यू जो है अगर उस तरीके से करता हूँ तो मुझे बताओ ये जो है ना उसको ऐसे लिखने के चांसेस है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या मिलेगा 0.693 डिवाइडेड बाय ये पीरियड हाफ, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा की वैल्यू जो है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ है ना, तो इसको हम लोग कर सकते ऊपर टी हाफ ये 0.963 ऐसे मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग बिटवीन द टाइम टी एंड डीटी के बीच में जो है वो हमने ये निकाला था अभी 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 का इक्वेशन से बेटा अभी। तो मुझे टॉर्क निकालना है, तो मैंने क्या किया कि ये जो पीरियड है इसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन रखा है, क्या 1 नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity टी लैम्बडा एन नॉट एक्सपोनेंशियल, देखो ये इवैल्यूएट किया लैम्बडा एन नॉट टी टाइम पे है ना, लैम्बडा एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी इनटू डीटी। अब मैंने लैम्बडा को ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्बडा को बाहर निकाला, ये 0 to infinity है, बचा क्या टी है ना, ये एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी इनटू डीटी, तो इसका हाफ पीरियड का ये फार्मूला बेटा, तो इसको टी हाफ निकालना है। तो लॉग मैंने तो यह ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में ये छोड़ो यार, मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतना मतलब थोड़ा सा कंजेक्टेड देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्यों नहीं बताते पता नहीं है। अब मुझे बताओ थोड़ा सा अगर सोचा जाए, थोड़ा सा सोचा जाए तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क ई वन बाय लैम्बडा है, ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय टॉर्क भी लिख सकता था, क्यों लैम्बडा की वैल्यू मैंने जो बताई ना उतना ही याद रखो, अगर आप लोगों को इसको ऐसे ही रखना है, अगर टी हाफ निकालना नहीं तो ये फार्मूला देख सकते हो, तो इसको मैं लिख सकता था टॉर्क इज इक्वल टू ये टी हाफ था ना यहाँ पे, और ये 0.693 ये वैल्यूज मिली। अगर किसी की टी हाफ चाहिए तो टी हाफ कैसे निकालेगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वही तो वैल्यू देखिए, देखो यहाँ पे 1 3 ये टॉर्क, ऐसी वैल्यू लिखना चाहिए थी, ठीक है, बस हो गया। एवरेज निकालना है, एक बात होगा हाफ लाइफ पीरियड से हमारा एवरेज कम होता है, लेकिन ओके मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर पा रहा क्योंकि यार सिलेबस बहुत डिलेटेड पोर्शन है, आपको उस तरीके से लेके जाओ तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशंस अवॉइड ही किया है जानबूझ कर, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर डिटेल में चाहिए तो मुकेश सर चैनल पे आप लोग जा सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और है ना, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे करूँ कैसे नहीं। अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ ऐसे बच्चों को कि एक बार आप लोगों को डिटेल चाहिए तो डिटेल भी देख सकते हो। यार जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं MST CET की तैयारी भी करना चाहते हैं साथ में बोर्ड के, तो बोर्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बच्चे के बोर्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करें क्या, तो करना कुछ नहीं यार, हमारे साथ आना है रात को डेली 9 बजे फिजिक्स रिविजन, इसके लिए MST CET के लिए ब्रिज बना रहे हैं हम लोग,
ब्रिज क्यों बना रहे? क्योंकि बेटा क्या है, बोर्ड की ही तैयारी अच्छी नहीं तो क्या करोगे आप लोग? तो बोर्ड की तैयारी करना है तो हमारे साथ आना है यहाँ पे एवरीडे। इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? तो इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाओ उन ऐप को डाउनलोड करना है और मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है फिजिक्स रिविजन। मैं अकेला नहीं, दिनेश सर, सुनील सर, बालाजी सर सब पढ़ा रहे। यहाँ पे 18 फिफ्थ से चालू हो गया, यहाँ पे अनलिमिटेड डाउट क्लियर कर रहे, टिप्स ट्रिक्स है, लाइव इंटरेक्शन होता है, नोट दे रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपका साथ आपका सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। चलो बाय करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।